तो साइमन, अपनी यार लैम्बोर्गिनी की डील हो चुकी है, बिल्कुल कंफर्म, आज से ये लैम्बोर्गिनी मेरी है। अरे हाँ यार, पैसे तो तूने दे ही दिए, तो लैम्बोर्गिनी तो तेरी हुई ना। तो गाइस यार, अभी मैंने साइमन से ले लिए ये वाली लैम्बोर्गिनी, जिसमें आज जाने वाला हूँ मैं अपने रैम चैलेंज में, क्योंकि यार आज का रैम चैलेंज बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसके लिए मेरे को बहुत तगड़ी गाड़ी चाहिए थी, इसलिए मैंने साइमन से ले ली नई नई लैम्बोर्गिनी। इसमें शिनचैन और मैं जाने वाले, और आज का रैम चैलेंज हम कैसे भी करके जीत के दिखाएंगे। अरे हाँ फेकी बे, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और यार शिनचैन, मजे तो आएंगे। अरे फेकी बे रुको, मुझे देखने दो तो, ये कैसी गाड़ी है? अरे हाँ देख ली अपनी गाड़ी है। अरे फेकी बे, ये तो बहुत ही ज्यादा अंदर से मस्त है। अरे हटो यहाँ से। अबे क्या कर रहे हो शिनचैन? अरे फेकी बे, बाय बाय, मैं जा रहा हूँ रैम चैलेंज में, वो भी अकेला, और मैं जीत के दिखाऊंगा। अबे रुक जा। अबे शिनचैन कहाँ जा रहा है? अरे ये फेकी बे को आज नहीं आने दूंगा रैम चैलेंज में, इस गाड़ी से तो मैं जीतूंगा आज का रैम चैलेंज। ये मुझे गाड़ी मिल गई फ्री में, चलो चलो जल्दी रैम चैलेंज में चलते हैं, फेकी बे तो पहुंच भी नहीं पाएंगे। अबे शिनचैन का बच्चा तो मेरी गाड़ी ले गया। अबे शिनचैन, अबे भाई ये तो मेरी गाड़ी ले गया, मैंने नई नई गाड़ी ली थी। अरे साइमन मैं क्या करूं अब? और एक सेकंड, ये गाड़ी किसकी है? अरे फ्रैंकलिन, ये मेरे झाड़ू पोछे करने वाले की गाड़ी है। अरे उसको बोल दिया मैं बाद में दे दूंगा। अरे मुझे लगता है इस पे मेरे को जाना पड़ेगा, चल मैं बाद में देता हूँ उसके पैसे। अरे भाई शिनचैन के बच्चे ने क्या किया यार? अबे ये क्या चीज हो गई? अबे यार शिनचैन तो रैम चैलेंज में निकल गया वाली गाड़ी लेके, वाली गाड़ी तो मुझे चाहिए थी। अरे अब मैं क्या करूं यार? चलो अभी उनको भी रैम चैलेंज में जाना पड़ेगा, उससे पहले मैं अपने कपड़े चेंज करने वाला हूं, क्योंकि तो गर्मी है, तो फटाफट से पहले कपड़े चेंज कर लेते हैं, फिर चलते हैं अपन रैम चैलेंज में। तो गाइस यार, हम लोग आ चुके हैं अपने रैम चैलेंज में, और मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी अपना रैम चैलेंज। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं हमारे होस्ट कौन है। हमारे होस्ट है मोदी जी, हर बार की तरह। मोदी जी कैसे हो मित्रों? आज के रैम चैलेंज में जो भी जीतेगा उसका बहुत बड़ा और महंगा प्राइस मिलेगा। तो गाइस यार, आज का प्राइस तो सही में बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। उससे पहले मैं आपको मिला देता हूँ कंटेस्टेंट से। हमारे एक पास में हमारे गद्दार खड़ा है, हमको उससे नहीं मिलवाना। यहाँ पे अपना आयरन मैन है मस्त सी गाड़ी लेके, हमारे पास है वोंडा, ये भी कोई पुरानी सी खटारा सी कार लेके आई है। अरे फ्रैंकलिन मैं जीत के दिखाऊंगी। और हमारे साथ पहली बार है छोटा भीम, और ये तो मेरी गाड़ी है। और ये क्या गाड़ी लेके आया स्पाइडरमैन के बच्चे? ये पागल है क्या तू? ये क्या लेके आया? ये मेरे पापा की कार है। और हमारे साथ है हल्के नाना, सारे सारा हल्का परिवार आ गया, पर कोई जीत नहीं पा रहा। देखते हल्के नाना क्या करके दिखाते हैं। और ये लाए रोल्स रॉयस, जो कि बहुत ही बढ़िया वाली गाड़ी है। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको रैम चैलेंज में करना है। यहाँ पे अपनी फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को भगाते हुए जाना है, और यहाँ से देखो एक टायर है, इसके बीच में से इस गाड़ी को निकालते हुए इस साइड पूरे पूरे सर्कल फैन से बचते हुए जाना है हमें सीधा का सीधा इसके अंदर। जो भी इसके अंदर लैंड करेगा वो ये रैम चैलेंज जीत जाएगा। इसकी बाउंड्री पे लैंड नहीं करना है, इसके अंदर लैंड करना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का रैम चैलेंज। तो उससे पहले यार मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है। शिनचैन ने मेरे साथ धोखा किया, मैं शिनचैन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। मेरे पास एक ये बॉम्ब है, जो कि मैं शिनचैन की गाड़ी पे लगाने वाला हूँ, जो कि वैसे तो मेरी गाड़ी है, पर शिनचैन इसमें रैम चैलेंज कर रहा है, तो अभी मैंने इस पर ये बॉम्ब लगा दिया है। अभी चुपचाप से अपन अपना रैम चैलेंज कंटिन्यू करते हैं, और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे फेकी भैया, सबसे पहले मैं जाऊंगा। अरे भाई पूछ कौन रहते से निकलना। अरे फेकी फेकी भैया, अभी मैं जीत जाऊंगा ना, फिर आप ही पूछोगे, देखना मैं कितने सारे चीजें जीतूंगा। अभी जाना, देखते तू कैसे कंप्लीट करता है। तो गए सर, अभी मैं ये बम फाड़ने वाला हूँ, बस ही थोड़ा सा आगे पहुंचे। अरे देखना मैं एक बार में जीत जाऊंगा। ये क्या हो गया ये? अरे भाई क्या ये मजा आया। अरे ये मेरी गाड़ी कैसे फट गई? अरे ये क्या हो गया? अरे मैं जा रहा हूँ पानी में, बचाओ मेरे को। अरे लगता है शिनचैन की गाड़ी में से पेट्रोल बाहर आ गया और उस पे आग लग गई, इसलिए उसकी गाड़ी फट गई। अरे हाँ यार, मेरे को भी वही लगता है, उसकी पेट्रोल की वजह से गाड़ी फटी है। तो गाइस यार, अभी जाने वाले आयरन मैन, देखते हैं हमें ये क्या करके दिखाते हैं। अरे करके क्या दिखाना है, मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा। और ये रैम चैलेंज, अरे मेरी गाड़ी बंद हो गई। अरे मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। अभी भाई इसी गाड़ी का पेट्रोल ही खत्म हो गया? अरे भाई पागल है क्या तू? पेट्रोल तो भरा क्या था? अरे मैं पेट्रोल देखना तो भूल गया। अरे चल जा, अरे चल जा। और इसकी गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, और ये आ चुकी है स्लाइड पे, इसकी गाड़ी थोड़ा स्पीड पकड़ लेगी क्योंकि स्लाइड पे। अब देखते हैं हमारे आयरन मैन क्या कर पाते हैं। आपको क्या लगता है यार, कौन जीतेगा? फटाफट जाके कमेंट बता दो, आयरन मैन जीत पाएगा कि नहीं ये भी बता देना फटाफट से। और यहाँ पे विंडमिल से बचते बचाते ये जा रहे आयरन मैन, मुझे लगता है ये पहुंच तो नहीं पाएंगे, मुझे कंफर्म है ये पहुंच नहीं पाएंगे। और आयरन मैन हो चुके हैं डिस्क्वालीफाई, और ये जाने वाले सीधा पानी में। अरे जार्विस जल्दी अपना सूट चालू करो। जार्विस, अरे जार्विस कहाँ गए? अरे जार्विस सूट चालू करो। और ये हमारे आयरन मैन हो चुके बेहोश। अरे ये इनके बस की बात नहीं, मुझे जान दो। तो गाइस अब जाने वाली है वोंडा यार, ये देखते हैं ये क्या करके दिखाती है। और यहाँ पे वोंडा ने अपनी गाड़ी को डाली है विंडमिल से बचते हुए, अभी तक यार कोई विंडमिल में टकराया नहीं। और ये वोंडा जा रही है, क्या ये सर्कल में पहुंच पाएगी? मुझे तो लग रहा है ये पहुंच सकती है। और ये जा रही है सीधा सर्कल के अंदर, और ये वोंडा पहुंच चुकी है सीधा सर्कल के अंदर। वोंडा ने कंप्लीट कर लिया ये वाला चैलेंज। अरे मैंने रैम चैलेंज
लंच कंप्लीट कर दिया, नाचो 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 नाचो। तो गाइस अब जो आने वाले छोटा भीम, इनको जाके यार कैसे भी करके रोड पे लैंड करना होगा अगर ये जीतना चाहते हैं तो, और अगर ये नहीं कर पाए तो यार हमारी वांडा हो जाएगी विनर। अरे छोटा भीम मेरी बात सुनो, मुझे पहले जाने दो यार, मेरे को बहुत सारा टॉयलेट आ रही है, मैं जल्दी से रैम चैलेंज कंप्लीट करके चला जाऊंगा। ठीक है। तो गाइस पहले जाने वाले हमारे स्पाइडरमैन, क्योंकि इनको कहीं पे जाना है, तो ये देखते हैं अपनी खटारा मैम को क्या करके दिखाते हैं। अरे ये फ्रैंकलिन खटारा नहीं है, वो मुझे थोड़ी टॉयलेट आ रही है इसलिए मुझे जल्दी करनी पड़ेगी। अरे तो देखते हैं हमारे स्पाइडरमैन क्या करते हैं। और ये स्पाइडरमैन जाते हुए सीधे अपने नीचे खटारा गाड़ी को लेते हुए, अरे मैं नीचे नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ टॉयलेट करने, बहुत तेज टॉयलेट आ रही है, मैं रैम चैलेंज से नहीं जीत पाऊंगा पर इसलिए जा रहा हूँ टॉयलेट करने, बाय बाय। पहले मैं जाऊंगा। अरे भाई तेरी बारी नहीं है, अभी छोटा भीम की बारी है। अरे पहले मैं जाऊंगा, मैं हल्का मामा हूँ, मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हूँ इसलिए मुझे पहले जाना है, चुप रहो। तो गाइस अब ये पहले जा रहे हैं, भाई हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा यार, चलो कोई बात नहीं यार, अभी देखते हैं हमारे हल्के मामा क्या करके दिखाते हैं, इनका पूरा खानदान आगे पर कोई भी नहीं जीत पाया। अरे मैं खतरों के खिलाड़ी में काम करता हूँ, ये देखो मैं क्या कर सकता हूँ। अरे भाई ये कौन से स्टंट दिखा रहे हैं यार, कोई ये वाला स्टंट नहीं देखा हमको, रैम चैलेंज करके दिखाओ। अरे वो भी कर दूंगा, एक सेकंड लगेगा मुझे। तो गाइस देखते हैं हमें एक सेकंड में कौन सा रैम चैलेंज दिखाने वाले हैं। और ये पागलबंदी कर दी इन्होंने, ये पहले इन्होंने बहुत तेज रेस दी थी, ये कूद चुके और ये सीधा जाने वाले हैं नीचे, और ये बस जस्ट बच गए भाई साहब। अभी इन्होंने वापस अपनी गाड़ी घुमा ली, अपने बूस्ट का यूज करते हुए क्या ये पहुंच पाएंगे, मुझे लगता है भाई ये पहुंच सकते हैं और ये अपने हल खानदान का नाम ऊंचा करेंगे। और इन्होंने पहुंच दिया, और ये नहीं भाई ये भी हो चुके हैं डिस्क्वालीफाई, ये नहीं पहुंच पाए, सारे के सारे हल्के गधे। अरे पिद्दी ज्यादा बोल रहे ना क्या, अब तो मैं जाऊंगा, पहले जाओगे? अरे नहीं नहीं पहले तू जा यार, अब मैं नहीं जा रहा यार, मैं लास्ट में जाऊंगा। अल्ली ठीक है अभी देखो मैं क्या करके दिखाता हूँ। तो गाइस अब देखते हैं हमारा छोटा भीम इतनी देर बाद जा रहा है, ये देखते यार ये क्या करके दिखाता है, क्योंकि यार ये हमारे रैम चैलेंज में पहली बार आया है, अब देखते हैं यार ये हमको कौन सा स्टंट करके दिखाएगा। और ये छोटा भीम जा रहे सीधा अपने रैम पे यार, यहाँ से इनको बूस्ट मिलेगा, क्या ये टायर की वहां से पार कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे एक विंड मिल है और ये यहाँ से इन्होंने पार कर लिया है भाई, कोई भी नहीं टकरा है भाई, फालतू में लगाया है विंड मिल। और ये हमारे छोटा भीम जा रहे, क्या ये पहुंच पाएंगे, मुझे तो लगता है ये पहुंच पाएंगे बिल्कुल, क्योंकि सर्कल के अंदर ही जा रहे, और ये जाते जा रहे गोल गोल इनकी गाड़ी घूम रही है। और ये क्या कर दिया इन्होंने, अरे ये गाड़ी से क्यों कूद गए, और इनकी गाड़ी तो जा चुकी है सर्कल के अंदर, और ये मुझे लगता है ये रोड पे लैंड करना चाहते हैं, क्योंकि यार आपको याद होगा कि भाई जो भी सर्कल के अंदर तो वांडा जा चुकी है, और जो भी रोड पे लैंड करेगा वो ही जीतेगा, और इन्होंने रोड पे लैंड कर लिया। ओ भाई साहब यार हमारे छोटा भीम ने रोड पे लैंड कर लिया और ये जीत चुके, और इनकी गाड़ी भी सर्कल के अंदर जा चुकी है, इनको तो डबल प्राइज मिलना चाहिए। पर अगर अब मुझे जीतना है तो मुझे अपनी गाड़ी के साथ उस रोड पे लैंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसने तो यार गाड़ी अंदर डाल दी और खुद रोड पे लैंड हो गया, तो मेरे को इससे ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा। तो यार मैं इनको अच्छा करके दिखाऊंगा और ही मैं रैम चैलेंज जीत के दिखाऊंगा। अब यहाँ से चलते अपन धीरे धीरे चलेंगे, अपन हल्की वाली गलती नहीं करेंगे, यहाँ से अपन चलते अपनी भगाते अपनी गाड़ी को और बिल्कुल आराम से जाने वाले सीधा सर्कल के बाहर मतलब रोड पे, और यहाँ से कूदाते हैं। अरे भाई ये क्या हुआ, अरे भाई किसी के भी यार विंडमिल नहीं अड़ा यार, मेरे क्यों अड़ा, अरे यार ये क्या हो गया भाई, मैं डिस्क्वालीफाई हो चुका हूँ भाई, यार किसी के भी नहीं अड़ा यार, मेरे ही अड़ा सिर्फ विंडमिल यार, फिर से मैं एक और रैम चैलेंज हार गया। मित्रों इस रैम चैलेंज के विनर हैं छोटा भीम, क्योंकि ये इधर आए हैं तो इनको मिलेगा बहुत ही बढ़िया प्राइज, और वांडा ने भी सर्कल में डाला है इसलिए प्राइस में से 25% वांडा को मिलेगा। तो मित्रों चलो मैं लेके चलता हूँ तुम्हें प्राइस की जगह पर। मित्रों आज से ये गोल्ड की फैक्ट्री हुई छोटा भीम की, और इसमें से 25% गोल्ड मिलने वाला है वांडा को। अरे भाई गोल्ड की फैक्ट्री है ये, अरे भाई मेरे को लगा ये बिस्किट पड़े, और भाई इतने से मैं इसको बिस्किट समझ रहे थे, तो असली वाले गोल्ड है और ये पूरी गोल्ड की फैक्ट्री है, यानी इनको पूरी पूरी गोल्ड की फैक्ट्री मिल चुकी है। अब ये चाहे वाले गोल्ड खाए चाहे बेचे चाहे कुछ भी करे, ये सारा का सारा इनका है। अबे भाई ये तो पूरी फैक्ट्री है। और गाइस आपको दिखाता हूँ भाई कितनी बड़ी फैक्ट्री, देखो तो सॉरी भाई इतनी बड़ी गोल्ड की फैक्ट्री, मैं तो सोच रहा हूँ भाई यहीं पे एक चोरी वोरी कर लूँ भाई, बहुत सारा गोल्ड मिल जाएगा, पर यार चोरी नहीं करने वाला। तो गाइस आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो, या रैम चैलेंज में फिर से आ चुका हूं पर अगली बार ट्राई करेंगे। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके ज्वाइन और फॉलो कर लो। और गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।